नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक खटका होता है और वो सभी के में होता है। वो क्या कि हम जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं वो एफिलेटेड है के नहीं, मान्यता प्राप्त है के नहीं। तो ये सबसे बड़ा खटका हम सभी के दिमाग में रहता है। अब हर इंसान को ये नहीं पता होता कि वो ये पता कहां से करे कि कौन सा कॉलेज जेन्युइन है, इसकी एक्चुअल फीस क्या है और ये कहां से एफिलेटेड है, कोर्स करने के बाद कहीं वो ठगा तो नहीं जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, यानी कि यहां आपको मैं पूरी जानकारी इस बारे में दे रहा हूं कि आप फर्जी कॉलेज का पता कैसे लगाएं, फर्जी यूनिवर्सिटी का पता कैसे लगाएं, या फिर इसको आप दूसरे तरीके समझ सकते हैं कि सही यूनिवर्सिटी सही कॉलेज का पता कैसे लगाएं, यानी कि आप कोर्स करने के बाद ठगे ना जाएं। ये जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। और यार, और रिक्वेस्ट लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और मेरे भाई बहनों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी ठगी से बच जाएं। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इतना बड़ा जाल है पैरामेडिकल कॉलेजेस का कि वो लूटने में ठगने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो यहाँ आप ही को सावधानी बरतनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गूगल खोला हुआ है, आप देख रहे हैं। गूगल पर हम लिखेंगे यहाँ न्यूज सपाटा, SAPATA, ये वेबसाइट है और ये मेरी खुद की वेबसाइट है। आप खोलेंगे तो आपको भी ये गूगल पर मिल जाएगी। स्पेलिंग पर फिर देख लीजिए आप एक बार, NEWSSAPATA। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि रियल में कौन सा कॉलेज हमारे काम का है और कौन सा नहीं। तो इसको वेबसाइट को आप देखें, आप यहाँ चले जाएं एजुकेशन पे, तो यहाँ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर मिल जाएगा आपके कॉम्पिटिशन रिलेटेड। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्सेज, है ना, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ हम इसको पैरामेडिकल वाला हम खोल लेंगे। इसका लिंक भी मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा वहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो जैसे ही पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा पोस्ट को आप पढ़ते चले जाएं, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं और यहाँ आपको सब दिया हुआ है। कौन सा पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, इसको कौन कर सकता है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची। तो यहाँ सबसे पहले हम यूपी का ही देख लेते हैं। इस प्रकार आप चाहें तो किसी भी स्टेट का देख सकते हैं, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर के आप मेन्यू में देखेंगे तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपको दो चीज़ें दिखेंगी, नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स। तो आप चाहे तो नर्सिंग कोर्स का देख सकते हैं, चाहे तो पैरामेडिकल कोर्स का देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्स पर हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको बताएगा और कोर्स के बारे में बताएगा। जैसे पहला ही कोर्स देखते हैं, यह है सर्टिफिकेट कोर्स इन बेबी नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर, 6 मंथ का कोर्स है, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें 520 सीट होती हैं। तो अब आपको मान लो ये कोर्स करना है और आपको ये जानना है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो फर्जी है और कौन सा सही है, तो आप इस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ आपको 10 एंट्री मिल रही हैं। तो यहाँ आपको देखो ये कॉलेजों का नाम दे रखा है कि ये कॉलेज सही हैं, ये एफिलेटेड हैं, इनसे किया हुआ कोर्स आपके काम आएगा और इनके अलावा कोई और कॉलेज है जो कोर्स करा रहा है तो मान लीजिए 100% फर्जी है, चाहे वो कितना ही आपको विश्वास दिला रहा हो। तो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, देखिए आप देखेंगे ये शांति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज बालिया, है ना, एड्रेस इसका दे रखा है। इस प्रकार 2 नंबर पे कॉलेज, 3 नंबर, ये सब आपके कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ दी हुई है। तो आप कोर्स पर क्लिक करते चले जाएं और आपको जो है ये कॉलेजों की सूची के बारे में भी पता चलता चला जाएगा। अब यहाँ इसमें ये बता रखा है कॉलेज कब स्टेबल हुआ था, तो 2016 में। डिस्ट्रिक्ट जो बताया हुआ है ये आपको देख लीजिए, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, किसकी सीटें हैं जो 40 हैं और ये प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये एंट्री यहाँ कर रखी है, तो इस आप एंट्री के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कितनी सीटें हैं। तो आप मान लीजिए बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं या बंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिरोजाबाद के हैं या गोंडा के हैं या हरदोई के हैं, जहाँ के भी हैं आप, लखनऊ के हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कोर्सेज यहाँ किए हुए हैं। अभी सेकंड नंबर पर चले जाएँ तो सेकंड नंबर पर आपको ये कॉलेजों की सूची और मिल गई है। तो कुल 13 कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स को। सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा है, ये सर्टिफिकेट इन बेबी नर्सिंग चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बार यहाँ बंद कर देते हैं और फिर से एक बार वहीं वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान वाले पे क्लिक करें, राजस्थान में मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों की सूची। तो यहाँ आपने जैसे ही क्लिक किया
तो ये धीरे धीरे आपको डैशबोर्ड यहाँ खुल जाएगा। थोड़ा कई बार टाइम ले जाता है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये कोई विशेष इशू नहीं है। तो यहाँ ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम इसका एक सेकंड के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जानना जरूरी है आपको कि आपके लिए कौन सा कॉलेज वास्तव में सही है, जहाँ पैसा भी खर्च करें और वो कोर्स भी आपके काम का हो, तो ये जरूरी। तो ये देखिए यहाँ लिस्ट खुल गई है, राजस्थान की लिस्ट कुछ इस प्रकार खुली है, ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में है। और यहाँ पैरामेडिकल काउंसिल जो जयपुर है इसकी ओर से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची यहाँ दी हुई है, तो यहाँ आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आप जोधपुर के हैं तो जोधपुर का देख लें, है ना। और ये कोर्स का नाम दे रखा है इसमें, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार आपके डिप्लोमा के नाम और आपके कोर्सेज की सूची और साथ साथ आपको उन कॉलेजों की सूची भी दी हुई है जो मान्यता प्राप्त हैं। इन कॉलेजों से ही आप कोर्स करें, आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज छांट लें, वहीं से कोर्स करें। तो ये कुल 31 कॉलेज की सूची यहाँ दी हुई है, तो ये आपको जानकारी यहाँ इस प्रकार मिल जाती है। और नीचे देखो इसमें साइन भी दिए हुए हैं, है ना, जयसिंह आर एस रजिस्ट्रार, तो इनके साइन भी यहाँ दिए हुए हैं। इस प्रकार आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके काम का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर सकते हैं आप, मध्य प्रदेश में प्राप्त कर सकते हैं आप, मतलब जिस भी स्टेट के आप हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, तो अपने यहाँ आप मालूम कर ले। इसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल पर क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, यूपी की खुल जाएगी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, और भी नर्सिंग काउंसिल है वो भी यहाँ आपको नीचे मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो पोस्ट है ये आपके लिए बड़े काम की है, और ये वेबसाइट भी मतलब ऐसी नहीं है, अपनी ही वेबसाइट है, तो आपके लिए काफ़ी उम्दा जानकारी यहाँ इस पर मैं लेकर के आया हूँ। तो ये कॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, साथ साथ आपको ये कौन से कॉलेज में और कौन सा कोर्स आपके काम का है, यानी कि कोर्स कौन सा काम का है, वो भी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर इस पोस्ट के माध्यम से दी गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये मालूम कहां से चलेगा कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप जहां से ये कोर्स करने जा रहे हैं वो कोर्स आपके काम का आएगा अथवा नहीं आएगा, या फिर आप ठगे जा रहे हैं अथवा बच गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, कोई क्वेरी आपकी तो आप जरिए कमेंट मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको कुछ दिन तक इसके रिप्लाई देता रहूंगा। और वीडियो पसंद आए से लाइक और शेयर करने में यारों कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ये चैनल आपके लिए इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस लाता ही रहता है। बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।